दोस्तों डेब्यू मैच के दौरान यशस्वी ने अर्धशतक जड़कर इतिहास लिख दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शुरुआत में यशस्वी थोड़े नर्वस जरूर लग रहे थे क्योंकि ये उनका डेब्यू मैच था और उन्हें अपना खाता खोलने के लिए 16-17 गेंदे खेलने पड़ी थी, लेकिन चौके की मदद से जब उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की तो मानो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कप्तान रोहित शर्मा का साथ देते हुए पहले दिन का खेल खत्म होते होते कप्तान के साथ 80 रनों की पार्टनरशिप निभाई, जहां यशस्वी यशपाल ने 73 बॉलों पर 6 बेहतरीन चौकों की बदौलत 40 रन बनाए थे। वहीं दूसरे दिन उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोक डाला और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाया। तो दोस्तों, क्या यशस्वी जायसवाल इस मैच में शतक बना पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।